राजधानी जयपुर में 25 फरवरी से मास्टर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें प्रदेश भर के करीब 2000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। लेकिन इस प्रतियोगिता की खासियत ये है कि इसमें अधिकतर खिलाड़ी 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही जोधपुर के महावीर सिंह भाटी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद खुद को फिट रखने के लिए महावीर सिंह भाटी ने बैडमिंटन खेलने का फैसला लिया और पिछले 10 सालों से लगातार महावीर सिंह भाटी बैडमिंटन खेलकर युवाओं के लिए आदर्श बने हुए हैं। आफ्टर 60 मैं कंटिन्यूस बैडमिंटन खेल रहा हूं और सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए। बिल्कुल, जितना आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उतना फिटनेस जो है उसमें आपके जो है ब्रीदिंग सिस्टम है, आपका जो है जो भी जो है डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सब जो है बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। 12 से आए हुए प्रदीप कुमार चौरसिया जब कोर्ट में उतरते हैं तो उनकी फुर्ती के आगे अच्छे अच्छे युवा खिलाड़ी भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। युगल वर्ल्ड में हिस्सा ले रहे प्रदीप कुमार चौरसिया पिछले 10 सालों से निरंतर बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। खेल में फिट भी रखता है लेकिन उसके अलावा बहुत फायदे मिलते हैं। आदमी को धैर्य रखने की क्षमता पैदा होती है, कठिन परिस्थितियों में भी वो कुछ करने के लिए, और ये हमारे पार्टनर हैं तो मतलब काफ़ी मजबूती मिलती है बॉडी को भी और दिमाग को भी, किसी भी बड़ी समस्या को अपन झेल सकते हैं गेम की मदद। 25 से 29 फरवरी तक जयपुर में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में 35 साल से 75 साल के करीब 2000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे। प्रतियोगिता को लेकर राजस्थान बैडमिंटन संघ सचिव के शर्मा का कहना है कि उम्रदराज खिलाड़ियों का जो जज्बा है वो इस खेल के प्रति देखते ही बनता है। इस साल 75 साल के भी करीब 1 दर्जन एंट्रियां इस खेल के लिए आई। लोगों में इतना जोश है खेलने का कि मैं भी खुद इसमें उत्साहित हो जाता हूँ, खेलने के लिए इच्छा जागृत हो जाती है वापस पुरानी जो खेले की। परंतु ये है कि आप एक से एक खेल देखेंगे तो चाहे मेंस में हो चाहे वुमेन्स में हो, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ देखने लायक। निरोगी राजस्थान और फिट राजस्थान, हिट राजस्थान की मुहिम को बल देते ये राजस्थान के करीब 1000 वेटरन खिलाड़ी आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। ऐसे में इन खिलाड़ियों का खेलों के प्रति जज्बा युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।